हेलो स्टूडेंट्स, तो उत्तराखंड में 55वें और 56वें राजा के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। आज हैं 57वें चंद राजा दीपचंद। ठीक है, तो 1748 से 1777 तक इनका समय है। देखो, तो दीपचंद बाल्यावस्था में ही गद्दी पर बैठे, इसलिए है ना, अब जब कोई बाल्यावस्था में बैठेगा तो उसको कोई संरक्षक की आवश्यकता होगी, तो इसलिए पंडित शिवदेव या शिवदत्त जोशी ने राजकाज संभाला है। ठीक है, तो देखो, शिवदत्त जोशी को क्या कहते हैं, कुमाऊं का बैरम खां। जैसे अकबर के समय बैरम खां ने राजकाज संभाला है ना, तो ऐसे दीपचंद के समय शिवदत्त जोशी ने संभाला, इसलिए शिवदत्त जोशी को कहते हैं कुमाऊं का बैरम खां। तो इस प्रकार के देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अगला देखो, दीपचंद को कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, यहां से भी देखो महत्वपूर्ण है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर में पूछा जाता है किसकी मूर्ति है। जागेश्वर के मुख्य मंदिर में राजा दीपचंद और विमल चंद की मूर्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखो, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, तो चंद कौन से चंद राजा के समय हुआ, दीपचंद है इस समय। और जब हमने परमार वंश पढ़ाया था तो कौन थे उस समय थे प्रदीप शाह। ठीक है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय एक तो प्रदीप शाह याद रखना है, और इधर दीपचंद चंदों में याद रखना है 1761। तो जैसा आप जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। तो देखो, मराठों के विरुद्ध लड़ाई में दिल्ली सल्तनत ने कुमाऊं से मदद मांगी थी। ठीक है, तो यानी अहमद शाह अब्दाली ने मदद मांगी, तो 4000 देखो कुमाऊनी सैनिक जो कि हरिराम और बीरबल नेगी के नेतृत्व में भेजे गए। ठीक है, और दीपचंद ने अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया। तो मतलब 4000 सैनिक कुमाऊं के वो अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़े हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में। ठीक है, और 1762 में फिर कुमैया सेना, जो कुमाऊं की सेना है, वो वापस आई है। तो दीपचंद के समय की तो पहली बड़ी घटना यही होगी, है ना, पानीपत का युद्ध। उसके बाद दीपचंद के समय की एक और जो बड़ी घटना है, देखो प्रदीप शाह के साथ भी इनका युद्ध हो गया था। कारण देखो, प्रदीप शाह ने ये चाहते थे वो, और मांग रखी थी, मतलब मांग थी उनकी क्या थी, दीपचंद जो है गढ़वाल के क्षेत्र जो जीते हुए हैं उसको वापस कर दें जो कुमाऊं के पास हैं, और रामगंगा नदी को गढ़ कुमाऊं की सरहद मानी जाए। ठीक है, तो ये दीपचंद ने माना नहीं, तो फिर युद्ध हो गया। इसके बाद देख लेते हैं, 1764 में जो शिवदेव जोशी या शिवदत्त जोशी हैं, जिन्हें बैरम खां कहा गया है, तो उनका काशीपुर में निधन हो गया। ठीक है, तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दीपचंद के समय। ठीक है, शिवदत्त या शिवदेव जोशी ने। इसके बाद देख लेते हैं 58वें चंद राजा, कौन है, मोहन चंद। देखो, इनका अल्पकाल है 1777 से 1779, केवल 2 साल का इनका। तो देखो, जो मोहन सिंह था, है ना, तो ये षड्यंत्रकारी था एक। तो मोहन सिंह ने दीपचंद और उसके पुत्रों को षड्यंत्र करके मरवा दिया, और स्वयं जो मोहन सिंह था, मोहन चंद के नाम से गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 58वां चंद राजा मोहन चंद बना है। और इसके समय की देखो महत्वपूर्ण घटना क्या है, बगवाली पोखर युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है बगवाली पोखर युद्ध 1779। तो देखो, ललित शाह जब हमने परमार वंश पढ़ा तो तभी भी आया, है ना, तो अधिकतर चीज़ें देखो कोरिलेट हो रही हैं परमार वंश की चंद वंश के साथ, इसीलिए हमने परमार वंश के तुरंत बाद इसको पढ़ाया, है ना, जल्दी याद रहेगा। तो देखो, ललित शाह और मोहन चंद के बीच बगवाली पोखर का युद्ध हुआ 1779। तो देखो, ईयर भी आ सकता है, किसके बीच हुआ, कौन जीता। तो देखो, इसमें मोहन चंद की हार हुई, तो इसका मतलब ललित शाह की जीत हुई। ठीक है, और मोहन चंद और जो उनके सहयोगी थे लाल सिंह, है ना, तो उन्हें रामपुर के नवाब जो फैजुल्ला खां थे उनके यहाँ शरण लेनी पड़ी। ठीक है ना, तो युद्ध के बाद वो वहाँ गए थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे के पढ़ेंगे, अभी 62 क्रम तक राजा हैं चंद वंश के। ठीक है, धन्यवाद।